कराची की एक टैलेंटेड एथलीट, इरादे हैं नेशनल गेम्स में मेडल लेना। पूरा साल तैयारी करने के बाद अब चाहती हैं कि अपना, अपने माँ बाप और अपने कोच का नाम रोशन करें। तो चलें इस टैलेंटेड खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम सफी नाज खान है और मैं 18 साल की हूँ और मैं कराची से हूँ और मैं अभी नेशनल गेम्स में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और हाई जंप में सिंध को रिप्रेजेंट किया। 2019 में जूनियर नेशनल्स खेले थे जिसमें मैंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद से मैंने पेशावर में प्रोविंशियल गेम्स खेली थी 2020 में एंड लास्ट ईयर मैंने सिंध की टीम को नेशनल में रिप्रेजेंट किया था लाहौर में। इस वक्त मैं पाकिस्तान में अंडर 20 की फास्टेस्ट फीमेल हूँ। बिल्कुल कंपटीशन बहुत टफ है एंड मेरी ख्वाहिश ये है और हमारी, मेरी और मेरे कोच की मेहनत भी इस पर है कि हम इंशाल्लाह टॉप 3 में फिनिश करें वहाँ, और ये मेरा गोल है। हमारे माशरे में ख्वातीन के लिए स्पोर्ट्स में आना भी कोई आसान बात नहीं है, तो क्या सफीनास को भी इन मसाइल का सामना करना पड़ा? एज अ फीमेल बहुत से लोग आपको डाउट करते हैं कि मतलब ये लड़कियों का काम नहीं है और मतलब इसमें हम आगे कोई स्कोप नहीं है तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आई फील लाइक कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे होते हो तो आपका स्कोप खुद ब खुद बन जाता है। अब एथलीट मेहनत भी करता है, धूप में रगड़ा भी खाता है, तो गवर्नमेंट तो फिर इन्हें अपनी पलखों पर बिठा कर रखती होगी, है ना? हमें गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई सपोर्ट नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती है जिससे हम यूज़ कर सकें और अपनी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करके तैयारी कर सकें। यहाँ जितने भी लोग टीम के लिए ट्रेनिंग करते हैं वो खुद ही अपने आप को फाइनेंस करते हैं। मेरा गवर्नमेंट को यही मैसेज होगा कि वो हमें मैक्सिमम तौर पे फैसिलिटेट करें, हमारे ग्राउंड्स पे ध्यान दें ताकि हम उन्हीं का नाम आगे जाके अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। एंड ये फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से एक मिनिमम अमाउंट ही एफर्ट डाल सकते हैं, उसके बाद हम फैसिलिटीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं।